अगर आप गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं और गैस सिलेंडर को जब आप रिफ़िल करवाते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से कुछ सब्सिडी आता है, तो कई कंज्यूमर को तो सब्सिडी अकाउंट पे आ जाता है और कई कंज्यूमर को तो ये भी पता नहीं चलता कि सब्सिडी किस अकाउंट पे आता है और कब आता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ कि आप अपने गैस सिलेंडर का सब्सिडी कैसे चेक कर सकते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुपम सिंह और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो जब अपलोड हो आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आ जाना है आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग सर्च कर लेंगे माई LPG। क्या सर्च करेंगे दोस्तों? माई LPG आप लोग सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा MyLPG इन, तो आप लोग क्या करेंगे, MyLPG इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है MyLPG इन। सो गाइस, आप लोग थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद राइट साइड में देख सकते हैं तीन सिलेंडर का नाम दिया गया है, तीन गैस सिलेंडर का नाम बताया गया है, भारत गैस, HP गैस और इंडियन। आप जो भी सर्विस यूज करते हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो गैस, हम यहाँ पे भारत गैस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गैस, यहाँ पर आप कुछ भी करेंगे तो आपको सब्सिडी वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। सो गैस, राइट साइड के ऊपर कोने में साइन इन और न्यू यूजर का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका यूज़र आईडी बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, अगर आपका नहीं बना है तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। तो गाइज, हम क्या करते हैं, न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइज, पहला ऑप्शन में है कंज्यूमर नंबर, आप अपना इसमें कंज्यूमर नंबर इसमें इंटर कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन है रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो आप लोग क्या करेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। सो गाइज, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड खोज रहा है। तो गाइज, आप भी लॉगिन आईडी इंटर कर दीजिए और पासवर्ड तो मैं भी कर लेता हूँ। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद नीचे कैप्चा कोड आता है, तो कैप्चा कोड वो आप लोग फिल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कैप्चा कोड आप लोग फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है लॉगिन का, तो आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, तो हम गाइस क्या करते हैं, स्किप पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे आपका 17 डिजिट का LPG आईडी नंबर दिया गया है, कंज्यूमर नंबर दिया गया है, जिनके नाम से अकाउंट है वो नंबर दिया गया है, आधार नंबर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर कोड दिया गया है और आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेम दिया गया है। तो गाइस, हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है गैस से रिलेटेड, यानी आपका पासबुक से रिलेटेड, आपका गैस कनेक्शन से रिलेटेड। सो गाइस, लेफ्ट साइड के ऊपर कोने में तीन गो लकीर दिखाई दे रहा है, यानी 3 डॉट दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 गो डॉट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री, तो यहाँ से आप गैस सिलेंडर का सब्सिडी चेक कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है आप गैस सिलेंडर कब बुक किए थे, कितना आपका सब्सिडी आया है, डेट भी यहाँ पर दिया गया है, आपका पैसा भी दिया गया है कि कितने में सिलेंडर आता है। तो गाइज, आप भी इस तरह से अपने फ़ोन में गैस सिलेंडर का सब्सिडी चेक कर सकते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके लिए ऐसे टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।